11 मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे ज्ञान और योगबल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है, योगबल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न, संगमियों की विशेषताएं कौन सी है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती है? उत्तर, संगमियों पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगमियों पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परमपिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव। निराकार है ना, आत्माएं भी वास्तव में निराकार है, यहाँ आकर साकार बनती है। कहा जाता है परमपिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रीसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा, वह तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु हे परमपिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं, क्यों उनसे रहम मांगते हैं? वह सबका बाप है यह तो सब जानते हैं, लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती है। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से, तो जरूर कहा तो ले जाएंगे ना। सभी को लिबरेट कर शांतिधाम व सुखधाम में ले जाते हैं। कल्पकल्प कल्प के संगमियों पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा हो न सके, चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर सदगुरु भी बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतियों में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहाँ बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं, यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को एडाप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई, तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूलवतन सूक्ष्मवतन स्थूलवतन का सारा समाचार बताते हैं। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है, ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है तो मैंने इनको एडाप्ट किया।
पहले इनका नाम असुल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं, परंतु बिगड़ जाने। शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं, तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। भल उनको परमात्मा समझते भी है, परंतु उस रुचि से हड्डी जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं भक्तिमार की रसम अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती है, वह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है। यह हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं, इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो इस कुल के हैं, वह निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा, उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। किसम किसम के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वह एक ही बाप हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, कोई न कोई का सिमरन जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है, वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सद्गुरु है, सच खंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो जरूर चक्र याद करना पड़े। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो और यह कल्प के संगमयुग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान न सके, बाप पढ़ाते ही हैं कल्प 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 के संगमयुग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पाठ है राजाई का, वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पाठ है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पाठ है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं, झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं, बुद्धि प्योर बन न सके। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तब ही धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है।
बहुत सहज है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डायनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया, क्या लड़ाई से राज लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। यह सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, उनको भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है, जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी ही मिलता है, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े। मेहद है। वह बाप सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म तो अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर ना सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है। उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वह सब है हद की। कितनी हदें डाल दी है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो न सके। यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? वह हिंदी वह अंग्रेजी अक्षर है। यह विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है। जहां बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते हैं, लिब्रेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहां इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तनमंधन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वह तो प्रिंस प्रिंसेज आपस में करते होंगे। वहां प्रजा थोड़े ही जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत है। कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सके। यह टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना यह राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो। सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं।
कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है तो वहाँ 1 पैसा होगी, तो कितना फर्क है। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल्धे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: एक, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दो, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सद्गुरु के रूप से याद करना है। वरदान: रूहानी नशे द्वारा दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्फ प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आई। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन: जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। कृपया आज की बोली पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।